आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, क्वेश्चन दिया गया है, एक कैंटीन में 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चाव की आवश्यकता होती है। यदि मई और अप्रैल माह में के लिए मिलाकर कुल कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी? ठीक, तो देखिए 7 दिन बराबर 56 किलो चावल, तो हम एक दिन की वैल्यू निकालेंगे तो एक दिन में कितना निकलेगा? एक दिन बराबर 56/7 केजी, तो बराबर हो जाएगा 7×8 56, 8 किलो चावल एक दिन में चाहिए एक कैंटीन में। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है मई और अप्रैल, तो अप्रैल प्लस मई, अप्रैल में कितना होते हैं 30 दिन होते हैं और मई में होते हैं 31 दिन, तो बराबर हो गए 61 दिन। ठीक, तो कुल चावल बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 61×8, ये एक दिन में 8 चाहिए तो ये हो जाएगा 8×8 8 48, 488 किलोग्राम चावल आंसर। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।